नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे गणेश जी के एक ऐसे मंगलकारी पाठ की, जिसको सुनने मात्र से सभी प्रकार के मनुष्य के आदि हो व्याधि हो पीड़ाओं हो सभी का नाश होता है। दोस्तों यह पाठ ही बहुत मंगलकारी होता है, और गणेश उत्सव चल रहा है और 10 दिनों में गणेश जी की आराधना करना बहुत ही मंगलकारी माना गया है। अनेक भक्त अनेक प्रकार से अपने अपने तरीके से गणपति देव की आराधना करते हैं। बहुत सारे स्तोत्र जप तरह तरह गणपति देव को मनाया जाता है, और इनमें से बहुत अत्यंत ही लाभकारी पाठ होता है अधर्म शेष का पाठ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सारी क्लेश कष्ट सभी दूर हो जाती हैं। गणेश जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है, और आज हम करेंगे इसी पाठ का ध्यान। सबसे पहले जब भी हम ध्यान करते हैं तो सच्चे दिल से गणपति देव को नमस्कार करके उनका ध्यान करना चाहिए, और उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे बोलेंगे, हे गणपति आपको नमस्कार है, आप ही प्रत्यक्ष देवता हैं, आप ही कर्ता, आप ही धारण करता और आप ही संहार करता है। आप केवल समस्त विश्व रूप में ब्रह्म हैं, और आप ही साक्षात नित्य आत्मा हैं। अब त्वम माम अब वंतारम अब श्रोतारम और अदातारम और धाताराम, यानी आप मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें, श्रोता की रक्षा करें, दाता की रक्षा करें, धाता की रक्षा करें, सगंग वेग वेग आचार्य की रक्षा करें, शिष्य की रक्षा करें, पीछे से रक्षा करें, आगे से रक्षा करें, उत्तर वंग भाग की रक्षा करें, दक्षिण भाग की रक्षा करें, ऊपर से रक्षा करें, नीचे की ओर से रक्षा करें, सर्वतो भाव से मेरी रक्षा करें, और सब दिशाओं से मेरी रक्षा करें। तुम वांगमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद आदित्य परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञानमय हो, तुम विज्ञानमय हो। यह सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुमने लीन होता है, और यह अखिल विश्व तुम्हें ही प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, तुम ही चर, तुम ही अग्नि और तुम ही आकाश हो। तुम्हें परा, तुम्हें पश्यति, मध्यमा और वैखरी चतुर्व्याग्य हो, और तुम सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम स्थूल, तुम सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो, और तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करती है। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही शिव हो, और तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण त्रिपाद हो, भूभु स्वाहा एवं प्रयाणम हो। इसके बाद गणेश जी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। ओम गणपते नमः। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहला उच्चारण करके अनंतरण आदि वर्ण आकार का उच्चारण करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः। इसके बाद अनुसार करें। इस प्रकार अर्धचंद्र से पहले सुशोभित जो गम है वो ओमकार के द्वारा रुद्र है, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओमकार है। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप ओम गण ओम है। गकार स्वरूप है, पूर्ण रूप है, और आकार मध्यम रूप है। अनुस्वार अंत रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संघान है, सहिता संधि है। ऐसे यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं, निचित्र गायत्री छंद है और गणपति देवता है।
मंत्र ओम गगन पते नमः। एक दंताय विगमहि वक्र टुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदया। एक दंति को हम जानती हैं, वक्र टुंडे का हम ध्यान करती हैं और दंति हम बोध ज्ञान और ध्यान से प्रेरित करे, यही गणेश गायत्री मंत्र है। गणेश जी का रूप पे इसका ध्यान करना चाहिए। एक दंतम चतुर्हस्तम पास मंगलम तुलाधारिणम। यह गणपति देव एक दंत है, चतुर्बाहु है। वे अपने चार हाथों में पाश, अंकुश, तंत्र और वर मुद्रा धारण करती हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्त वर्णन, लंबोदर, सूपकर्णम और तथा रक्त वस्त्र धारी है। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त है। वे रक्त वर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित है। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली ज्योतिर्मय जगत के कारण अच्युत और प्रकृति के और पुरुष से परे विद्यमान और पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में और वृत्त हो गए हैं। इनका जो इस प्रकार से नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ होता है। गणपति के अष्ट नाम का भी स्मरण करना चाहिए। नमो व्रातपते, नमो गणपते, नमो प्रवत्तते, नमस्ते तून लंबोदराये, एकादंताये, विघ्नाशिनी स्युसुताये, श्री मरुद्रताये नमो नमः। यानी प्रातपति, गणपति, प्रमत्पति, लंबोदर, एक दंत, विघ्नाशत, स्युतनय तथा व्रत मूर्ति को मेरा नमस्कार है। इसके अतः का जो भी मनुष्य पाठ करता है वह भ्रमित पुत्र होता है और सभी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह सर्वतो भावेन सुखी होता है और पंच महापापों से मुक्त हो जाता है। शाम के समय इसका अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है और प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। शाम को और प्रातः काल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सर्वत्र पाठ करने वाला सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है और एवं धर्म, अर्ध काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यह अधर शेष इसको नहीं देना चाहिए जो निशिष्य ना हो। जो मुहवश अशिष्य को देता है वो देश वह महापापी होता है। इसी के 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करता है इसके द्वारा इसको सिद्ध कर लेता है। जो भी इस मंत्र के द्वारा से गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास करता है, जप करता है, वो विद्यावान हो जाता है। यह अर्धवर्ण पापी है। जो ब्रह्म आदि औरन को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता है। जो दुर्वांगपुरम द्वारा यजन करता है वह कुबेर की समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वो यशस्वी हो जाता है, मेधावान होता है। और जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यज्ञ करता है वह मनोवांछित फलों प्राप्त करता है। जो घृत आत्मिथ्य द्वारा हवन करता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। और जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जो जप करता है वह साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है, संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है, सर्वविद्ध हो जाता है। और जो इस प्रकार जानता है वो सर्वविद्ध हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से गणपति अदृश्य का पाठ यह संपूर्ण होता है। प्रत्येक मनुष्य को जैसा समझाया जाता है इसका सुबह शाम जैसे भी आपके पास समय अनुसार आपको पाठ करना चाहिए। और साथ गणेश उत्सव के दौरान अगर आप रोज कम से कम इसे 11 पाठ को सुनते हैं या करते हैं तो मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के कलेश दूर हो जाते हैं, सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है और एक सुखी जीवन, यशस्वी जीवन, आनंदमय जीवन हमारे जीवन में आता है। तो आप भी सुनें, अपने परिवार वालों के साथ इसे जरूर सुनाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं और सभी से शेयर करें, जरूर करें। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम गणपति आय नमः लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।